हेलो इंजीनियर जी, सुबह शांति। तो आज आपके लिए है एक नया प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपने हाथों के मदद से अपने घर के लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो भी बहुत ही इजी से। तो यहाँ पे हमने काम किया है एक माइक्रोकंट्रोलर के जरिए। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो आज हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो ये जो फ्लैक्स सेंसर है ये एक्चुअली काम कैसे करते हैं वो देखिए। यहाँ पे दो आउटपुट है, तो आउटपुट पे एक पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, लगा के जो कि नेगेटिव कनेक्शन कर दिया, और एक पे पॉजिटिव दे दिया। और रेजिस्टेंस के ऊपर से जो वायर निकला है वो होगा डाटा, तो डाटा इसमें से आउटपुट होगा। तो ये फ्लैक्स सेंसर जब भी इसको हम लोग सिकुड़ते हैं, मतलब इसको थोड़ा मूविंग करते हैं, तो ये एक्चुअली में वेरिएबल रेजिस्टेंस के जरिए काम करते हैं। तो ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसको हम लोग जब भी घुमाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा होते हैं, सेम टू सेम ये भी होगा। जब भी इसको मूविंग करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इस प्रकार से ये काम करते हैं। तो हाथों का जो सेंसर है उसको हमने किस प्रकार से लगाया है देखिए। यहाँ पे एक माइक्रोकंट्रोलर लगाया है, आप चाहे तो आर्डिनो, नैनो आर्डिनो, ओनो कोई भी आप लगा सकते हैं। बैटरी के जरिए इस पर पावर आएगा। और यहाँ पे जो सेंसर आप देख रहे हैं इसको हम लोग फ्लैक्स सेंसर बोलते हैं। तो ये जब भी इसको मूविंग करेंगे तो ये सेंस करता है, तो सेंसर यहाँ पे रिसीव करेगा, करके माइक्रोकंट्रोलर पर देगा। और माइक्रोकंट्रोलर यहाँ पे वायर आके यहाँ पे जो IR सेंडर है इस पर आएगा, और जो कि डाटा है वो सेंड करेगा। जो डाटा हमने इस पे सेट किया है वो डाटा यहाँ पे सेंड होगा। तो सेंड करने के बाद जो माइक्रोकंट्रोलर हमने लाइट पे लगाया है वो सेंस करेगा और ये काम करेगा। तो अभी चलिए जो लाइट पे हमने माइक्रोकंट्रोलर लगाया है उसको हम लोग देखते हैं। तो अभी देख सकते हैं अपने हाथों के मदद से जब भी यहाँ से कोई डाटा सेंड होगा तो इस तरफ मूविंग हो गया, अगर सेंड होगा तो ये जो सेंसर है ये रिसीव करेगा, करने के बाद माइक्रोकंट्रोलर के जरिए इस लाइट को ऑन कर देगा। तो ये लाइट ऑन करने के लिए एक रिले की जरूरत है, इसलिए हमने रिले को लगाया है यहाँ पे। और अगर इसको मूविंग करके यहाँ पे करेंगे तो सेम डाटा यहाँ पे रिसीव होगा, होने के बाद ये माइक्रोकंट्रोलर सेंड रिसीव करके ये लाइट ऑन कर देगा। उस तरह जो कि तीसरा है वो भी होगा, आप चाहे 8, 10, 15, 16 कितने चाहे उतने आप कर सकते हैं। अगर एक साथ होगा तो दोनों लाइट ऑन हो जाएगा, क्योंकि एक ही साथ ये डाटा रिसीव हो जाएगा। तो अभी चलिए इसका सर्किट डायग्राम हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं वो देखते हैं। प्रोजेक्ट है इसको आप माइक्रोकंट्रोलर के जरिए कर सकते हैं या फिर आर्डिनो, ओनो, आर्डिनो, नैनो, आर्डिनो के कोई भी बोर्ड से आप लोग इसको कर सकते हैं। तो मैंने माइक्रोकंट्रोलर के जरिए किया है, क्योंकि ये सर्किट जो है छोटा होने के लिए हमने इसको माइक्रोकंट्रोलर के जरिए इसको बनाया है। तो एक माइक्रोकंट्रोलर हम लोग लगाएंगे जो कि लाइट जो है उसके मदद से, मतलब माइक्रोकंट्रोलर की मदद से लाइट को ऑन ऑफ करेंगे रिले लगा के। और दूसरा माइक्रोकंट्रोलर हम लोग हाथ पे लगाएंगे और यहाँ पे सेंसर वगैरह लगाएंगे। यहाँ पे कौन सा सेंसर लगता है आपको बताएंगे, तो अभी आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हम लोग इस पर सेंसर लगाया है और किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं।
अभी ये सर्किट कंप्लीट हो गया है, तो इसको हमने सभी पे फिट कर दिया है। तो अभी देख सकते हैं आईआर जो कि सेंडर इसमें लगा दिया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैक्स जो कि फ्लैक्स सेंसर जो है उसके मदद से ये स्विचिंग होगा और जो डाटा है वो इसमें से भेजेगा। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी एक एक करके लाइट को हम लोग जलाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग सभी को बंद कर देते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से घर पे ऑन ऑफ लाइट को हम लोग हाथ के मदद से जला सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।